Hey guys, welcome to my channel and welcome to a new vlog here in Goa. So, आज है संडे और संडे का दिन काफ़ी बोरिंग है यार. मतलब यहाँ पे काम वाम नहीं है, गेस्ट भी बहुत कम है मेरे जहाँ पे मैं जॉब करता हूँ वहाँ पे, और एज़ वेल एज़ रोड्स पे भी बहुत कम ट्रैफिक है. अभी मैं कैंडलिम वगैरह घूम गया है, सोचा था कैंडलिम का एक ब्लॉग करूँगा, बट द थिंग इज़ कैंडलिम में भी बहुत ही कम क्राउड है, बहुत ही देख के अजीब लग रहा है. सोचा क्यों ना बात करें, मैं अपने प्लेस पे जाऊं और वहाँ चल के आप लोगों से थोड़ा बातचीत करूं, जो बहुत सारे क्वेश्चंस लोग करते रहते हैं, जो बहुत सारी बातें पूछते रहते हैं उसके बारे में, एज़ वेल एज़ थोड़ा सा अपना प्लेस भी दिखाऊं, दैट वेयर डू आई एग्जैक्टली वर्क. सो बात करेंगे हम. बहुत लोग कमेंट्स करते हैं, पूछते हैं कि गोवा फेब में आना चाहिए, गोवा जन लास्ट में आना चाहिए, गोवा अप्रैल में आना चाहिए, गोवा मार्च में आना चाहिए, ऐसा करके लोग कमेंट करते हैं. तो गाइस, जैसा कि मैं बात करूं गोवा गवर्नमेंट की गाइडलाइंस के बारे में, उन्होंने बोला है 26 ऑफ जैन तक कोई भी नाइट कर्फ्यू नहीं है. उसके बाद वो एक मीटिंग हेल्ड करेंगे और उसमें डिसाइड करेंगे कि क्या एग्जैक्टली होना है. कल भी बहुत ज़्यादा केसेस आए गोवा में, तो केसेस तो बढ़ रहे हैं बट हॉस्पिटलाइजेशन वगैरह बहुत कम है, जिससे गोवा में सेफ है आने के लिए. बहुत सारे लोग ये भी पूछते हैं क्या गोवा आना सेफ़ है. यस गाइस, गोवा आना बिल्कुल एंड बिल्कुल सेफ़ है. मैं आपको बहुत सारे वीडियोस में बता चुका हूँ, आज फिर बता रहा हूँ कि गोवा आना बिल्कुल सेफ है. आप परेशान मत होइए, गोवा आराम से आइए, इन्जॉय करिए लाइफ. अच्छी नाइट लाइफ है अभी यहाँ की, अच्छा सा अपना जो ट्रिप आपने प्लान करी हुई है वो यहाँ पर आके बिताइए. अब बात करें जनवरी लास्ट की क्या होगा, तो कुछ कहा नहीं जा सकता है, डिपेंड करता है केसेस पे, कितने केसेस होंगे, कैसा क्या होगा सिचुएशन पे, इन सब पे डिपेंड करता है कि क्या होगा, तो उसी अकॉर्डिंगली गवर्नमेंट जो है कदम उठाएगी. अब बात करें एक और जो कल न्यूज़ आई है इलेक्शन कमीशन की तरफ से कि जो अपनी डेट है इलेक्शंस की वो डिसाइड हो गई. तो गोवा में भी 14th of February को दिसंबर इलेक्शन है, द डे ऑफ लव, उस दिन इलेक्शन है गोवा में भी. तो देखते हैं अभी गवर्नमेंट क्या बोलती है. जो कोड ऑफ कंडक्ट जारी हो गया है, जो अनाउंसमेंट होने के बाद से ही कोड ऑफ कंडक्ट चालू हो जाता है, बट गोवा में थोड़ा सा डिफरेंट है. बार वगैरह एक महीने पहले ही रात के 10 बजे के बाद बंद हो जाते हैं, तो उस पर देखना पड़ेगा. गवर्नमेंट का अभी कोई नोटिफिकेशन नहीं आया हुआ है, तो देखते हैं अभी क्या न्यूज़ आएगी, गवर्नमेंट क्या करेगी, क्या स्टेप उठाएगी जो बार 10 बजे के बाद क्लोज़ होते हैं उनके बारे में क्या गवर्नमेंट डिसीजन लेती है. तो अभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है, जैसे ही आएगा मैं अपडेट कर दूंगा. गोवा में एंट्री की बात करें सेम रूल्स हैं, 18 ईयर्स बिलो है तो RT-PCR या एंटीजन चाहिए. अगर आप ने फुली वैक्सीनेटेड हैं तो कोई भी टेस्ट वगैरह रिक्वायर नहीं है. कहीं से भी आ रहे हो, चाहे वो महाराष्ट्र से है, चाहे वो केरला, कर्नाटका, UP, दिल्ली, एनीवेयर, एंड अगर आपने एक ही डोज ली है तो RT-PCR या एंटीजन लगेगा आप लोगों को. तो बहुत सारे लोग बोलते रहते कि गोवा में क्वारंटीन वगैरह का कुछ सीन है क्या, लॉकडाउन का कुछ सीन है क्या. कुछ भी क्वारंटीन वगैरह नहीं कर रहे हैं, कोई लॉकडाउन वगैरह नहीं है. जो भी आप न्यूज़ सुन रहे हैं वो केवल भ्रामक हैं, ओनली और ओनली आप लोगों को परेशान करने के लिए लोग बनाते हैं. तो उस सारी न्यूज़ पे मत जाइए. गोवा की ट्रिप है, आराम से प्लान करिए, मेरे वीडियोस देखते रहिए और इन्जॉय करिए आके यहाँ पे. ऑलराइट, सो अभी ये सारी बातें क्लियर हो गई. अब बात करेंगे कैसीनोज़ में क्या रिक्वायर है जाने के लिए. तो कैसीनोज़ में भी सेम रूल्स हैं जैसा गोवा में आने के लिए हैं, कि आपके पास RT-PCR होना चाहिए नंबर एक, या एंटीजन होना चाहिए नंबर दो, या आप फुली वैक्सीनेटेड होना चाहिए विद इन, और उस फुली वैक्सीनेट होने के 15 डेज़ हो चुके हों, मतलब सेकेंड डोज जो आपने ली हो उसको 15 डेज़ बीत चुके हों, तभी आप गोवा में एंटर कर सकते हैं या कैसीनोज़ वगैरह में जा सकते हैं. या सो दैट्स इट गाइज, इतना ही था. अभी जो नई गाइडलाइंस आई हैं वो एकदम नॉमिनल है. मैंने कल के वीडियो में भी बताया था, आज फिर बता देता हूँ कि ओपन एयर जो है उसमें 100 लोगों से ज़्यादा की कैपेसिटी नहीं होनी चाहिए. जो भी ओपन एयर स्पेस है गोवा में उनमें 100 लोगों से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और जो पॉलिटिकल मीटिंग्स, रैलीज़ और आउट इंडोर जो प्लेसेस हैं उनमें 50% कैपेसिटी से ज़्यादा के लोग नहीं होना चाहिए. यानी कि मान लो कि अगर कोई इंडोर नाइट क्लब है उसमें जो उनकी कैपेसिटी है 400 लोगों की कैपेसिटी है, तो 200 लोग ही वो अंदर लेंगे. तो यही रूल है, यही गाइडलाइंस है, दैट्स इट. आप लोग परेशान मत होइए, आराम से गोवा आइए, इन्जॉय करिए. तो अभी एक क्विक व्यू आपको कराता हूँ, जो हमारा ये प्लेस है वेयर आई वर्क, REvery गोवा, इट्स अ मॉडर्न यूरोपियन रेस्टोरेंट ओवर हियर इन कालंगूट गौरावाड़ो, हॉलीडे स्ट्रीट, वेरी नाइस. फूड वगैरह यहाँ का काफ़ी यूनिक है,
काफ़ी डिफरेंट तरीके से सर्व करते हैं, तो मैं आपको थोड़ा सा जगह दिखाऊंगा। ऑल राइट, सो दिस इज़ हॉलीडे स्ट्रीट गाइस। देखिए कितना सन्नाटा है यहाँ पे, सब मक्खी मार रहे हैं, भाई साहब भी हमारे मक्खी मार रहे हैं। तो अभी हम चलेंगे यहाँ के अंदर। दिस इज़ आर एवरी गौरावाड़ो इन हॉलीडे स्ट्रीट। और ये हमारे गार्ड जी हैं, देखिए मस्ती से चल रहे, मक्खी मार रहे ये भी। एंड मिस्टर टॉनिका, सो या दीज आर द ऑल द अवार्ड्स विच दिस रेस्टोरेंट हैव वॉन थ्रू आउट द ईयर्स, 21 ईयर्स इट हैज़ बीन। सो ये यहाँ पे डेस्क है और अभी हम अंदर एंट्री करेंगे। ब्यूटीफुल रेस्टोरेंट, एम्बियंस इस रेस्टोरेंट का बहुत प्यारा लगता है गाइस देखने में। और ये देखिए यहाँ पे वाइन सेलर है, आप लोगों को दिखाता हूँ ओपन करके। अच्छी अच्छी वाइन्स लगी हुई हैं, एक्सपेंसिव वाइन्स ये सारी हैं यहाँ पे। लेट मी ग्रैब अ बॉटल फॉर यू। सो दिस इज देयर सिरप। और भी बहुत सारे कलेक्शन हैं यहाँ पे वाइन के। अभी मैं ये जो वाइन सेलर के अंदर फ्रिज लगा हुआ है ये ओपन किया मैंने, वाइट वाइन एंड शैम्पेन एंड स्पार्कलिंग वाइन के लिए। एंड दिस इज़ अगेन फॉर रेड वाइन टू कीप इन रूम टेम्परेचर। सो ऐसा कुछ है वाइन सेलर, छोटा सा प्यारा सा। देखिए यहाँ पे शैम्पेन, स्पार्कलिंग वाइन, वाइट वाइन, सो ये सब नेम्स वगैरह वहाँ पे लिखे हुए हैं। सो लुक एट दिस मिनी पाइनएप्पल प्लांट्स गाइस, मुझे ये बहुत पसंद आते हैं। इट्स नॉट ईडेबल बट शोकेस के लिए बहुत प्यारे लगते हैं ये देखने में, छोटा सा छोटू छोटू पाइनएप्पल। और स्टाफ देखिए बैठ के मज़े ले रहे हैं क्योंकि सन्नाटा है। तो यहाँ पे कुछ सीटिंग्स वगैरह हैं, ये लॉन सीटिंग है एंड ये सब गजीबोज एंड ओपन एयर की सीटिंग्स हैं यहाँ पे। अभी मेन्यू भी आपको एक बार मैं दिखाऊंगा यहाँ का। सो दीज आर द मेन्यूज ओवर हियर। इंस्टा पे भी है ये आर एवरी करके, फेसबुक सब जगह है। सो दीज आर द सूप्स एंड सैलड्स एंड देन सी फूड वगैरह, काफ़ी डिफरेंट मेन्यू गाइस। और ख़ास कल आप यहाँ पे देख सकते हैं जो वेगन होते हैं उनके लिए, जो वेजिटेरियन होते हैं उनके लिए ये सारे सिंबल्स भी बने हुए हैं। दिस इज़ ऑल्सो द मेन्यू एंड अभी कॉकटेल मेन्यू आपको एक बार दिखा देता हूँ। ये अल्कोहल का मेन्यू है वाइन वगैरह के रेट्स के लिए। एंड दिस इज़ कॉकटेल मेन्यू ओवर हियर, अच्छे अच्छे कॉकटेल्स भी हैं। यप, एंड दिस इज़ द लॉन सीटिंग ओवर हियर। और दिस इज़ द बाव ओवर हियर एंड लुक एट दैट स्टैचू। बार में बहुत ज़्यादा वैरायटी है, जिन एंड विस्की एंड रम, सिंगल मॉल्ट, एवरीथिंग इज देयर। तो यहाँ पे देखिए सारा स्टाफ आराम से मोबाइल में मज़े काट रहा है। क्यों सर जी, क्या कर रहे हैं आप? मोबाइल ढूंढ रहा हूँ। मोबाइल खरीद रहे हैं? अच्छा, आप क्या कर रही हैं?
हाँ मेकअप। मैडम आप क्या कर रही हैं? लूसिफर द सीरीज इन नेटफ्लिक्स। हाँ तो सब ये कंटाल गए हैं, बोर हो गए हैं और अभी ये सब मस्ती मार रहे हैं यहाँ पे बाहर काउंटर पे बैठ के। मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। सो गाइज दैट्स इट इन दिस वीडियो। कैसा लगा आप लोगों को कमेंट करके ज़रूर बताइए। एंड चैनल सब्सक्राइब नहीं किया देन डू सब्सक्राइब दिस चैनल। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। आप देख रहे थे कॉकटेल साइकोलॉजी। माय नेम इज़ नरेंद्र। गाइज यहाँ पे बहुत ज़्यादा अभी सन्नाटा सन्नाटा है और दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू विजिट गोवा। एज आई हैव बीन टेलिंग यू दैट अभी क्या है यहाँ पे एग्जैक्टली प्राइसेस बहुत नीचे चले गए। टैक्सी वगैरह भी बहुत सस्ती मिल जाएंगी आपको अगर इधर से उधर जाना चाहते हैं आप। देन जो गाड़ियाँ वगैरह हैं आप रेंट पे लेते हैं तो वो भी बहुत सस्ती मिल जाएंगी। एंड रूम्स वगैरह भी काफ़ी रेट्स गिर गए हैं। तो इफ़ यू वांट टू कम डू चेक आउट गोवा। गोवा इज़ सेफ, टोटली फाइन, ऑल राइट। सो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, बी हैप्पी एंड एंजॉय योर लाइफ। बाय बाय।